नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद फारुखाबाद के स्वास्थ्य विभाग नवाबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य कर्मी जहां आपदा के गिद्ध बन गए हैं, आपदा में तलाश रहे हैं कमाई का अवसर। पंचायत चुनाव के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का फर्जीवाड़ा, खुलेआम कोरोना रिपोर्ट को 200 रुपए में बना रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। बिना किसी टेस्ट के कैसे बना रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी रिपोर्ट को नेगेटिव और पॉजिटिव। सीएससी नवाबगंज में तैनात स्वास्थ्यकर्मी की करतूत, मोदी सरकार को दे रहा है खुलेआम चैलेंज। जांच किटों की किल्लत बताकर खुलेआम वसूली करने में लगे हैं स्वास्थ्यकर्मी। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर विजय पाल की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना आपदा के दौरान पैसे कमाने का नया फॉर्मूला। जो हम लोग जांच करा रहे हैं उसका कुछ भुगतान भी ले रहे हैं क्या सरकारी विभाग में, कोविड की जो जांच हो रही है एंटीजन या किसी भी तरीके की? सरकार की तरफ से जो भी जांचें की जा रही हैं उसमें कोई पता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी जो हो रहा है उसमें कोई पता नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ भी दिए जा रहे हैं वो भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। सरकार कोई भी पैसा किसी तरह का नहीं दे रही। नवाबगंज में सर एक वीडियो आया है जो 200 रुपये लेकर एंटीजन जाँच कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं,